हमीरपुर भाजपा मंडल के प्रशिक्षण वर्ग के समापन समारोह में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का हमीरपुर के विधायक नरेंद्र ठाकुर ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस मौके पर हमीरपुर मंडल के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। मंडल अध्यक्ष ने स्मृति चिन्ह भेंट करके पूर्व मुख्यमंत्री का स्वागत व अभिनंदन किया। अपने संबोधन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकतात्मक लोकतांत्रिक सामाजिक और आर्थिक विषयों पर गांधीवादी दृष्टिकोण शोषण मुक्त एवं समता युक्त समाज की स्थापना सकारात्मक पंथ निरपेक्षता सर्वधर्म संभाव और मूल्यों पर आधारित राजनीति इन सब पंच निष्ठाओं को 6 अप्रैल 1980 को पार्टी के स्थापना दिवस पर स्वीकार करके अपनाया गया था और बाद में यही पंच निष्ठाएं हमारी पार्टी की पहचान बन गई थी और पार्टी विद अ डिफरेंस कहलाई थी। इन सभी पंच निष्ठाओं को मंत्र मूल बनाकर पार्टी ने शुरुआत की थी और वर्तमान स्वरूप में पहुंचकर अब विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल के रूप में पार्टी की पहचान हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि देश प्रदेश में सरकारें बढ़िया काम कर रही हैं, हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, अनुशासन पार्टी की पहचान है और नेतृत्व की बात को सुनना और उसे मानना ये हर कार्यकर्ता को आता है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि लोकसभा में 1984 में मात्र 2 सांसदों वाली पार्टी आज लोकसभा की सबसे बड़ी पार्टी है। अस्तित्व में आने के मात्र 16 वर्ष बाद 1996 में पार्टी के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के पद पर काबिज हुए थे। मुझे विषय दिया गया है आज के भारत की वैचारिक मुख्य धारा हमारी विचारधारा एवं प्रदेश में राजनीतिक परिदृश्य भाजपा की भूमिका। भारत की मुख्य विचारधारा क्या है, इसको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक विचारधारा उसमें काम कर रही थी जब हम प्रतंत्र थे, अंग्रेजों का राज था, उसमें जो भारतीय विचारधारा थी, जो लोग स्वतंत्रता आंदोलन में लगे थे, उनकी नजरों में भारत कैसा होना चाहिए, भारत स्वतंत्र होगा तो कैसा होगा, इसमें तीन महापुरुषों को विशेष तौर पर याद किया जाता है, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक जी और महर्षि अरविंद जी। तीनों ग्रह विचारधारा थी राष्ट्र प्रथम, देश सबसे पहले है, देश का विकास होगा, देश प्रगति करेगा तो हम सबकी प्रगति होगी, हम सब विकास करेंगे। लेकिन जब आजादी मिली, शायद इसी कारण से महात्मा गांधी ने तब कहा कि कांग्रेस का जो उद्देश्य था वो आजादी प्राप्त करना था,